हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्विज। और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 वीडियो पार्ट नंबर 3। तो प्रीवियस हमने देखा था किसी नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है या डिवाइड करने से। अब हम परफेक्ट क्यूब, अब हम जा रहे हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसकी दो मेथड है यहाँ पे मेनली। फर्स्ट वन इज वी ऑल नो इन सिक्स्थ चैप्टर हमने स्क्वायर रूट के लिए जो मेथड की थी वही क्यूब रूट के लिए भी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड मेथड इज एस्टीमेशन मेथड, वो हम बाद में लेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। उसमें कुछ लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप जानते हो उस मेथड के बारे में। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. Cube root find out करना है। First one is 64. अब 64 में तो आपको direct पता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, odd या even है, even divisible by 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, even divisible by 2, 2 1 जा 2, 1 remains 12, 2 6 जा 12. Even 2, 8 za 16, 2, 4 za 8, 2, 2 za 4, and 2, 1 za 2. So therefore 64 is equals to 2 into 2. हम square root में क्या करते थे, दो दो की pair बनाते थे। यहाँ पे तीन तीन के group बना रहे हो, फर्स्ट थ्री एंड बाद वाले थ्री, तो ये होगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, 2 2 4 क्यूब, ये है 64। 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, ये 4 का क्यूब है इसलिए उसका क्यूब रूट 4 होगा। सिंपल, क्लियर? तो सेकंड वन सम है 512, वो आपको होमवर्क में करना है, उसका आंसर आएगा 8। थर्ड वन में करवा रहा हूँ 10648, 10648। चलिए ओड है या इवन है, सिंपल है, इवन है तो डिविजिबल बाय क्या होगा, 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। वापस ओड है या इवन है, इवन डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4, 1 remains 13, 2 6 जा 12, 1 remains 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। वापस 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब odd आया, 3 से divisible है, 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 is not a multiple of 3, so it is not divisible by 3. फिर 5, unit digit 5 हो तो ही होता है, वो भी नहीं है। 7 से चेक कर लो, बट 7 का क्यूब तो 343 होता है, वो भी नहीं है। तो अब ये डायरेक्ट डिविजिबल होगा 11 से, 11 1 जा 11, 13 माइनस 11 2 रिमाइंस, ऊपर से आया 3 23, 11 2 जा 22, 23 माइनस 22 1 रिमाइंस, ऊपर से आया 1, 11 1 जा 11। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो पीछे डिवीजन रफ पेज में कर सकते हो। 11 1 जा 11 2 23, 11, 2, 22, 1, 11, 11, 9, 11. अब वापस 11 से होगा, 11, 1 जा 11, 11, 1 जा 11, now 11, 1 जा 11, ठीक है? तो वापस इसकी प्रोसेस 10648 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 11 multiply by 11 multiply by 11 2 cube
होगा 22। क्लियर? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसे इस समय थर्ड वन के बाद आता है फोर्थ वन, 2700। ठीक है, 2700 ओडे या इवन है? इवन है तो डिविजिबल बाय 2, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमेंस 10, 2 5 जा 10, 0 0 वापस इवन, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 रिमेंस 10, 2 5 जा 10, वापस एक 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रिमेंस 15, 2 5 2 7 जा 14, 1 रिमेंस 10, 2 5 जा 10। अब इवन नहीं है, ओड है, सो चेक इट बाय 3। ऐसे चेक करते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 1 रिमेंस 15, 3 फाइव जा 15, वापस 3 से डिविजिबल है, बिकॉज सम ऑफ ऑल डिजिट 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 2 रिमेंस 22, 3 7 जा 21, 1 रिमेंस 5, 3 5 जा 15, वापस 3 से, बिकॉज 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमेंस 15, 3 5 जा 15, नाउ चेक इट बाय 5, 5 2 जा 10, 2 रिमेंस 25, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। अब इसमें की हर बार नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रख रहा हूँ। 27,000 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ग्रुप बना 2Q इंटू 3Q इंटू 5Q, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो गया 30 क्यूब। तो क्यूब रूट क्या आएगा? 30, 27,000 इक्वल्स टू 30 एंड सम इज ओवर। चलिए फिफ्थ वन, 15625, सॉरी फिफ्थ वन है 15625, 15625 ओड है या इवन है? यस ओड है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ चेक इट बाय 3, 3 से है या नहीं डिविजिबल, उसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5 19, 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ 5 यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 रिमेंस 12, 5 2 जा 10, 2 रिमेंस 25, 5 5 जा 25, वापस 5 से, 5 6 जा 30, 1 रिमेंस 12, 5 2 जा 10, 2 रिमेंस 25, 5 5 जा 25, वापस 5 से, 5 1 जा 5, 1 रिमेंस 12, 5 2 जा 10, 2 रिमेंस 25, 5 5 जा 25, वापस 5 से, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 मतलब 2 रिमेंस, 5 25, 5 5 जा 25, वापस 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया 15625 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5, सो इट इज 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, ये हो जाएगा 25 क्यूब। Cube root of 15625 is equals to 25. Sum is over. Clear है? तो चलिए ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सम नंबर 6 जो है 13824 13824, वो सब आपको होमवर्क में करना। इसके बाद का सम
सम नंबर 7 110592 चलिए करते हैं। ODI 1 इवन व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 2 5 जा 10 1 रिमेंस 0 1 10 10 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 रिमेंस 19 2 9 जा 18 1 रिमेंस 12 2 6 जा 12 वापस इवन 2 से 2 2 जा 4 1 रिमेंस 15 2 7 जा 14 1 रिमेंस 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 रिमेंस 16 2 8 जा 16 वापस 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 remains 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8 वापस 2 से 2 6 जा 12 1 remains 18, 2 9 जा 18 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 वापस 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 1 remains 11, 2 5 जा 10 1 remains 12, 2 6 जा 12 Now 2 1 जा 2 1 remains 14, 2 7 जा 14 and 2 2 जा 4 1 remains 16, 2 8 जा 16 वापस 2 से 2 6 2 8 जा 16 1 remains 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 Now वापस 2 से 2 4 जा 8 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4 वापस 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 अब 216 डायरेक्ट ले लो 6 से डिवीज 6 का क्यूब है 6 3 जा 18 3 रिमेंस 36 6 6 जा 36 वापस 6 से डिविजिबल होगा 6 6 जा 36 वापस 6 से 6 1 जा अब पैर साफ ग्रुप साफ को लिखने हैं 2 क्यूब मैंने किया है वो आपको नहीं करना आपको सिर्फ ये लिख के साइड में लिखना है 2 क्यूब इनटू 2 क्यूब इनटू 6 क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 6 जा 48 ये होगा 48 का क्यूब किसका क्यूब होगा ये 48 का ठीक है तो वो जो हम साइड में लिखते हैं वो आपको लिखना है चलिए उसके बाद हम जा रहे हैं सम नंबर 8 पे सम नंबर 8 चलिए सम नंबर 8 में क्वेश्चन आपको गिवन है 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 चलिए इवन है तो सबसे पहले डिविजिबल होगा 2 से 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 1 रिमेंस 16 2 8 जा 16 नाउ वंस मोर 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 रिमेंस 13 2 6 जा 12 1 रिमेंस 12 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 वापस 2 से इवन है तो 2 5 जा 10 1 रिमेंस 16 2 8 जा 16 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 वंस मोर इवन आया तो 2 से 2 2 जा 4 1 रिमेंस 18 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 6 जा 12 आपको अगर ये डिवीजन समझ में नहीं आता तो आपको रफ वर्क में डिवीजन करना पड़ेगा लेकिन अगर प्रैक्टिस करो तो बेटर है ऐसा करने नाउ वापस 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 रिमेंस 11 2 5 जा 10 1 रिमेंस 16 2 8 जा 16 वापस 2 से 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 रिमेंस 18 2 9 जा 18 729 इज द क्यूब ऑफ 9 सो 9 8 जा 72 9 1 जा 9 वापस 9 से 9 9 जा वापस 9 1 जा 9 चलिए इसमें मैं लिख देता हूँ ठीक है ताकि क्लियर हो जाए 46,656 चलिए इसके बाद 9th एंड 10th वैसे एक ही करवाऊंगा चलिए 10th वन करना था 9th वन आपको करना है 9 1 1 2 5 होमवर्क में वो आपको करना होगा 6th वन भी होमवर्क में है 9th वन भी टोटल 3 सम अब ये इजी है आपको आ जाएगा मैं प्रैक्टिस के लिए ज्यादा करवा 9 1 1 2 5
इज ओड, ओड है तो टू से डिविजिबल नहीं है, टू से डिविजिबल नहीं है तो डायरेक्ट फाइव पे मत जाना, पहले थ्री से चेक करो। सम ऑफ ऑल डिजिट, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13, +5 18, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, सो 3, 3 इज 9, फिर डिविजिबल नहीं होगा तो 0, वापस 3, 3 इज 9, 2 रिमेंस 22, 3 7 जा 21, 1 रिमेंस 15, 2, 3 5 जा 15, चेक करो, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमेंस 15, 3 5 जा 15, वापस 3 से 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 9, सो इट इज डिविजिबल बाय 9, 3, 3 3 जा 9, 1 remains 11, 3 3 is 9, 7, sorry, 2 22, 3 7 is 22, and 3 5 is 50. अब वापस 3 से चेक करो, sum of all digits, 3 plus 3 6, 6 plus 7 13, 13 plus 5 18, वापस 3 से divisible है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 remains 15, 3 5 जा 15, sum of all digits 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 5 9, 9 is a multiple of 3, so it is divisible by 3, 3 3 is a 9, 2 remains 21, 3 7 is a 21, 1 remains 15, 3 5 is a 15, वापस 3 से, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 remains 15, 3 5 is a 15, 125 is a cube of 5, 25 5 is a 5 5 is 25 and 5 1 जा 5, तो ये अभी ग्रुप आपको बना लेना है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 is 45, क्लियर, समझ में आ गया, तो फटाफट ये लिख लीजिए, 9th सम जो है वो होमवर्क में है, उसका आंसर 56 आएगा, ये लिख लीजिए, फिर दो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट वन इज क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, किसी ओड नंबर का क्यूब जो है वो इवन होता है, चेक कीजिए, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, इसमें तो सारे ओड ही आते हैं, और एक चीज से आप चेक कर सकते हो, वो जो हमने यूनिक डिजिट वाला टेबल लिखा है ना, उससे भी आप चेक कर सकते हो, यूनिक डिजिट 1 होगा तो 1, 3 में 7, 5 में 5, 7 में 3, 9 में 9, 1 3 5 7 में सब में एंडिंग डिजिट ओड ही आता है, सो क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड ही होगा हमेशा, क्या होगा ओड, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद सेकंड वन, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोस, परफेक्ट क्यूब जो है वो दो जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता, इट इज ट्रू, क्योंकि अगर किसी नंबर में जीरो है, एक जीरो है, तो उसके क्यूब में थ्री जीरो होंगे, दो जीरो नंबर में है तो क्यूब में सिक्स जीरो होंगे, क्यूब में जो भी जीरो होंगे वो थ्री के मल्टीपल में होंगे, एंड विथ टू जीरो नॉट राइट, क्योंकि टू इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, एंड में जो जीरो होंगे वो थ्री के मल्टीपल में होंगे क्यूब में, ठीक है, परफेक्ट क्यूब में, सो इट इज, ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वन इज ट्रू, ठीक है, फिर थर्ड वन स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो अगर 5 से एंड होता है तो उसका क्यूब जो है वो 25 से एंड होगा, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि 15 का क्यूब देखिए, 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 15 का स्क्वायर तो 25 होगा, सॉरी 225, तो एंडिंग विद 5,
तो इसका क्यूब जो है वो 25 से होना चाहिए, बट इसका क्यूब होता है 375, सो इट इज फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर, किसी भी टू डिजिट के नंबर का क्यूब जो है वो थ्री डिजिट नंबर हो सकता है। चेक करते हैं सबसे छोटा टू डिजिट का नंबर कौन सा है, 10। अब अगर हम 10 का क्यूब लेते हैं तो क्या होगा, 1000। ये थ्री डिजिट का नंबर है, नो इट इज फोर डिजिट नंबर, मिनिमम में फोर डिजिट नंबर है, तो इससे बड़ा लोगे तो डिजिट बढ़ता ही जाएगा ना, तो फोर डिजिट मिनिमम थ्री डिजिट नंबर नहीं आ सकता। द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर में भी या थ्री डिजिट नंबर नहीं हो सकता, इट इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ फिफ्थ वन, सॉरी बीच में मैंने फोर्थ वन जो है वो लैप्स कर दिया, ये हमारा फिफ्थ वन था, फोर्थ वन में लेना भूल गया, अब मैं बोल ही रहता हूँ। फोर्थ वन स्टेटमेंट है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। अरे 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब है, 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो फोर्थ भी फॉल्स, फिफ्थ भी फॉल्स। नाउ सिक्स्थ पे आते हैं हम, स्टेटमेंट सिक्स, द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे हैव सेवन और मोर डिजिट्स। टू डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करें तो उसके सेवन या उससे ज्यादा डिजिट हो सकते हैं। टू डिजिट ज्यादा वाला पूछा है तो बिगर लो, सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर कौन सा है, 99 का क्यूब मत लो, पहले 1000 का क्यूब ले लो, उसके बाद सॉरी 100 का, के बाद का जो डिजिट है 99 का बाद का 100, 100 का क्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, पीछे कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो, तो इसके कितने डिजिट हुए, 7 डिजिट। तो ये छोटा 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, अब इसमें एक कम करोगे तो ये 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, सो 99 का क्यूब जो है वो 6 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन हमें यहाँ पे कहा है 7 और मोर डिजिट, नो so it is also false, 7 or more digits इसमें नहीं होंगे two digit number के cube में। फिर उसके बाद the cube of a single digit number may be a single digit number, single digit number का cube single digit हो सकता है, yes, 1 का cube 1 है, 2 का cube भी 8 है, single digit का single digit है ना, so it is true, ये हो गए true false। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रही है वो हमारी सेकंड मेथड है फाइंडिंग क्यूब रूट, इट इज एस्टिमेशन मेथड एंड इट इज वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या कहा है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, एंड सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167। चलिए मेथड में आपको करवा देता हूँ, उसमें कुछ नंबर गिवन है, पहला नंबर है 1331, ये आपको बोला होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट आपको एस्टीमेशन मेथड से करना, एस्टीमेशन मेथड में पहला नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट में होंगे लास्ट के तीन डिजिट नंबर, लास्ट के थ्री नंबर्स, दूसरे पार्ट में जितने भी बचते हैं वो होंगे। अब लास्ट थ्री का क्या करना है, एंडिंग डिजिट क्या है, 1, तो 1 का क्यूब करने से क्या आता है, 1, तो उसका 1 बन गया। ठीक है, फिर फर्स्ट डिजिट जो आगे का नंबर बचता है वो है 1, तो ये देखना है ये किन दोनों के क्यूब के बीच में आता है, देखिए ये 1 एंड 8 के बीच में आता है, इज बिटवीन 1 एंड 8, 1 जो है वो 1 का क्यूब है और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ये नंबर जो है वो 1 एंड 2 क्यूब के बीच में आता है, तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें पकड़ना है 1, इसका भी होगा 1, इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। ये सिंपल अगर आपको बोला है तो आप कर सकते हो। चलिए दूसरे नंबर भी लेते हैं ताकि ठीक से समझ में आए, उसके बाद कहा है 4913, 4913
भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, फर्स्ट पार्ट में लास्ट के 3 डिजिट, सेकंड पार्ट में जो आगे बचे हैं वो, अब लास्ट में से यूनिक डिजिट 3, 3 का क्यूब करें तो क्या आता है, 3 का क्यूब होता है 27, मतलब एंडिंग डिजिट इज 7, तो यहाँ पे 7 ले लेना। अभी ये जो 4 बचा है वो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। इनमें से किसके बीच में आता है? 4 जो है वो 1 एंड 8 के बीच में आता है, 1 क्यूब एंड 2 क्यूब के बीच में, 1 एंड 2 में, 1 क्यूब 2 क्यूब में छोटा कौन है? 1, तो इसका आएगा 1, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। क्लियर? चलिए उसके बाद एक और सम लेते हैं, इसी में कुछ नंबर्स गिवन है, 12167, 12167 दो पार्ट, फर्स्ट इज 167, सेकंड इज 12, रिमेनिंग जितने भी डिजिट होंगे वो फर्स्ट सेकंड पार्ट में आएंगे। चलिए 7, 7 में एंडिंग डिजिट की पेयर क्या बनती है? 3, तो 7 का क्यूब 343 है। 12 जो है वो किन दोनों के क्यूब के बीच में आता है? 12, 12 जो है वो 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में 12 आता है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2, इधर आएगा 2, इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। ठीक है, उसके बाद वंस मोर, 32768, मैं बाजू में कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस चाहिए, 32768 दो पार्ट, फर्स्ट में लास्ट 3 डिजिट, सेकंड पार्ट में आगे जो बचे वो लास्ट डिजिट 8, 8 की जोड़ी क्यूब में किसकी बनती है? 2 की, 8 2, 32 जो है वो किस किस के बीच में आता है? 27 एंड 64, इट मीन्स 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, तो छोटा कौन है? 3, ये हो जाएगा 32, ये क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल्स टू 32। ये मेथड अगर आपको समझ में आ रही है तो रफ फर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्यूब रूट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट किए वो सारे आपको करने हैं एस्टीमेशन मेथड से रफ बुक में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कोई भी डाउट्स हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए मुझे, एंड डाउट्स जो भी हैं आपके वो सॉल्व कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।